Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm back with new lesson. I'm a Musliman and I would like to share the some important lecture that is related to the grammar and that is present continuous tense. Umeed karta hoon ki aap bahut khair se honge. Aapke saath main ye share karne wala hoon jo present continuous tense hai. So present continuous tense start hone se pehle hame iske bare mein kuch janna zaruri hai. वो मैं आपके साथ वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जो हम डेली कन्वर्सेशन में जिसको हम जो जारी सेंटेंस होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं. जैसे कि द एक्शन और इवेंट स्टिल कंटिन्यू ऑन प्रेजेंट टाइम. अगर कोई एक्शन कोई काम या कोई फंक्शन वगैरह जो हो रहा हो प्रेजेंट मौजूदा टाइम में जो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैरियत से होंगे. आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करेंगे. अगर स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ वाले आइकन पर प्रेस करें ताकि आपके वीडियो के नए अपडेट्स आपको मिल सके. तो हम अब बोर्ड की तरफ आ चुके हैं. हमारे पास जो भी टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की हमारे पास एक किस्म है. हम पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अब हम उसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. जब जितने भी कंटिन्यूस आ जाए इसका मतलब है कि चल रहा है. जितने भी कंटिन्यूस टेंस आ जाए इसका मतलब है कि इसमें बात जा रही है. कि बात कंटिन्यूसली वो बंदा या बंदी वो बात कर रहा है या कर रही है वो इधर एक्शन मुसलसल हो रहा है. जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दो टाइप ऑफ टेंस इट्स मीन एंड द इवेंट और एक्शन स्टिल कंटिन्यू ऑन प्रेजेंट टाइम. तो फॉर दैट इज एन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो नाउ वी आर कैन फ्रॉम द स्ट्रक्चर इट हैज ऑल्सो द स्ट्रक्चर और इट हैज ऑल्सो स्ट्रक्चर इट हैज सम फार्मूलाज एंड मच मोर. सो हमारे पास स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर इट्स मीन फार्मूला. Everything has structure and everything has structure and formula. If we have remembered the structure and formula, so we can easily make sentences and we can easily make another thing as well. From here, so the subject is the doer of action, who is performing action, and it has also SMR. Then we call helping verb. What we call helping verb. And it has also the first form of the verb we will use here plus ing. It's mean continuous tense plus object. Every continuous tense we will use the ing is the must. And here the continuous tense comes. It's mean identification of continuous tense. It's mean and there we will use the ing. जब भी continuous tense अगर आ जाए तो उसके form of verb होगा उसके साथ plus ing होगा. तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होते हैं द व्हाट इज सेंटेंस अबाउट. ऑब्जेक्ट हम ये बताएं कि सेंटेंस किस चीज के बारे में है. तो चले आप इसकी तरफ चलते हैं. इसके कुछ सेंटेंसेस आपके साथ आपके सामने कुछ एग्जांपल आपके सामने पेश किए हैं जो बहुत इजीली और आपको इजीली से समझ आएंगे. क्योंकि यहाँ मैंने सब्जेक्ट का एक कैटेगरी लगाया है यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब एक कैटेगरी बनाया फॉर्म ऑफ द वर्ड V one is mean form of first form of the verb plus ing and object. These are all the positive sentences. ये हमारे पास जो सारे sentences हैं इसको हम positive sentences कहते हैं. लेकिन हमारे पास जो इधर आते हैं he these are all pronoun subject. ये जो he she it I we you they इसको हम pronoun भी कहते हैं. pronouns भी कहते हैं. pronoun उसे कहते हैं जो noun की जगह इस्तेमाल होता हो. अब हमारे पास जो है ही शी इट. अब फॉर एग्जांपल इज एट हियर इज रूल ही शी इट आई वी यू एंड दे. इसके साथ हम इस इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे. इट्स मीन दीज आर सिमिलर. ये हमारे पास सिमिलर है ही शी इट और ये हमारे पास जो आई वी यू दे ये हमारे पास प्लूरल है. लेकिन आई के साथ जो हम इस्तेमाल करें वो एम इस्तेमाल करें क्योंकि आई जो यूज होता है वो आई जो यूज होती है वो अपने आप के लिए सेल्फ के लिए हम
यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास जो वी यू दे है इसके साथ हम आर इस्तेमाल करेंगे और आर हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि यहाँ तो यू है एंड यू वी आर यूज फॉर सिंगल पर्सन एंड देयर हैव यूज आर, सो व्हाट डज इट मीन, इज इट रॉन्ग? नो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स रूल, क्योंकि हम यू के साथ हम आर इस्तेमाल करने क्योंकि ये रूल है। अगर हम इसके साथ यू के साथ अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेंटेंस हो गए ये क्यों होगा, इट्स बिकम रॉन्ग, ये गलत हमारे पास हो जाएगा सेंटेंस। अब इस एन आर्टिस्ट को हम क्यों को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे अभी मैं क्या आपको बताता हूँ। सो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इट्स अ इजी मेथड। द फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज द स्ट्रक्चर, अगर आप उस स्ट्रक्चर आपको याद होगा आपको इसके आपको इसके जो वर्ब इसको बच्चों की तरह इसको रट लगा दें तो आप इजीली इसके सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन आप इसकी जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप जितनी बार इसको यूज करेंगे तो इसके साथ आपका इजीली से बन जाएगा और इजीली इसके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और फिर यही टेंसेज जो हमारी बुनियाद होती है इसको हम यूज करते हैं, हम पैराग्राफ को वगैरह लिखते हैं उसमें हमारे लिए बहुत मुस्तफीद होते हैं, हम इससे बहुत मुफीद होते हैं। तो अब आगे हम दोबारा अपनी बात पे आते हैं, हमारे पास सेकंड सेंटेंस है शी इज कुकिंग मी, वो खाना पका रही है, एंड इट इज ईटिंग ग्रास, वो ग्रास खा रहा है। अब यहाँ जो हमारे पास आया आई इस मीन आई एम लकिंग फ्लावर, आई एम लकिंग फ्लावर, मैं गुलाब को तोड़ रहा हूँ, आई एम लकिंग फ्लावर इन अ गार्डन। इस सेंटेंस को हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूज आगे बढ़ा भी सकता हूँ इन द गार्डन, इसको हम मैं आगे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, इसको मैं सेंटेंस को बढ़ा भी सकता हूँ, उसको बड़ा भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ मैं यूज किया आई एम प्लांटिंग फ्लावर इन अ गार्डन, राइट? ओके, सो हमारे पास द फोर सेंटेंस इज द प्रोनाउन वी एंड दिस दिस इज आल्सो सब्जेक्ट बट इट्स आल्सो प्रोनाउन इन वी एंड दे वी आर यूज द प्लूरल टेंस, इसको हम मोर देन वन, प्लूरल मींस मोर देन वन, एक से ज्यादा हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है वी आर ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है, वो हम सॉरी फॉर दैट हम कार चला रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग क्लास, वो क्लास ले रहा है। तो मैं सर जो उसकी जो उर्दू में जो पहचान होगी वो उसकी ये होगी कि वो जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं, तो ये इसकी उर्दू में पहचान। लेकिन हम जो हम तो इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश सीखने की जो बेसिक बुनियाद होती है हम इसको दूसरे टेंस के साथ हम इसको दूसरे लैंग्वेज के साथ हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास फिर हम नहीं सीख पाएंगे, हम फिर या ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। लेकिन हम इसको सीखने के लिए हमें एक तरफ होना चाहिए, जैसे कि मैं सीख चुका हूँ, मैं इसी मेथड से सीखता हूँ और इससे इसी मेथड कोई और हो ही नहीं सकता। अगर हो या अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सीख सकता हूँ इस मेथड से सीखो, अल्हम्दुलिल्लाह इसी मेथड को आगे मैं भी सिखाऊंगा ताकि आप लोग मुझसे मुस्तफीद होकर आप इससे फ़ायदा मंद हो सके। तो अब हमारे पास जो होते हैं दे आर स्विमिंग इन रिवर, वो नहा रहे हैं दरिया में, वो नहा रहे हैं। तो ये मेरे पास ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस इसको हम इस तरह कहेंगे दो स्टेप ऑफ सेंटेंसेस विच गिव्स अस स्टेटमेंट, विच गिव्स अस स्टेटमेंट, जो हमारे पास एक सीधी सारी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसकी जो स्ट्रक्चर होगा इसलिए कहेंगे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम उसको कहेंगे शी इज नॉट कुकिंग मी, इट इज नॉट ईटिंग ग्रास। तो इस तरह हम इसको हम इस तरह हम इसकी नोट लगेंगे कि हमारे पास क्या हो सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस हमारे साथ बन जाएगा। तो हम आगे अब चलते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस, अब इसके इंटरोगेटिव क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव का नॉलेज होना चाहिए कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन किसे कहते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव क्वेश्चन दो टाइप ऑफ क्वेश्चन विच गिव अस विच इज आस्किंग क्वेश्चन, जिसमें सवाल किया गया, जिसमें सवाल पूछा गया हो, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव क्वेश्चन हम बनाएंगे।
अब इंटरोगेटिव प्रेजेंट के हमारे पास टू टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप्स है इंटरोगेटिव प्रेजेंट, इंटरोगेटिव प्रेजेंट क्वेश्चन, राइट? इंटरोगेटिव क्वेश्चन इट हैज आल्सो टू टाइप्स। इसके दो किस्म है हमारे पास। सबसे पहले किस्म है वो एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, कन्फर्मेटिव क्वेश्चन। और इसके जो हमारे पास दूसरे किस्म है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। अब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ये, लेकिन ये कन्फर्मेटिव क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसकी किसी भी मेथड है। तो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके साथ मैं एक पॉजिटिव सेंटेंस शेयर करता हूँ, वो है मेरे पास फॉर एग्जांपल शी इज कुकिंग राइस, शी इज कुकिंग राइस। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हम अब इसको कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन में। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे वो ऐसे होगा हमारे पास, और ये जो हमारे पास जो इज है और ये जो शी है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये इधर सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन इसको हम कैपिटल लिखेंगे इज, इसको मैं इज़ शी कुकिंग राइस, लेकिन इसके यहाँ ये हमारे पास जो है इज़ शी कुकिंग राइस, ये हमारे पास कौन सी टेंस है? इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें जिसका जो सवाल या तो यस में होगा या तो नो में होगा। कन्फर्मेटिव क्वेश्चन आर दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज द आंसर इज व्हिच इज मीन टू कंफर्म थिंग विद इन यस और नो। इसका जो क्वेश्चन होगा या तो इसका जवाब यस में होगा या नो में होगा। लेकिन ये जो इस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं कन्फर्मेटिव क्वेश्चन, इसको हम जो यूज करते हैं डेली कन्वर्सेशन में बहुत अच्छे तरीके से इसको ज़्यादातर हम यूज करते हैं, बनस्पति हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन से ज़्यादा हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ वगैरह पूछना हो तो हम उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में पूछा जाते हैं, ये भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन की एक किस्म है। अब इसका जो हमारे पास इसमें जो आंसर होगा वो तो येस में होगा, येस शी इज, और अगर हम नो में इसका जवाब देंगे तो इसके जवाब में होगा शी इजंट, इट्स मीन is not, इस मीन इज नॉट। अब ये हमारे पास होती है कन्फर्मेटिव क्वेश्चन की एक एग्जाम्पल की। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरी और क्वेश्चन हम बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उसकी एक दूसरी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जो हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है वो होगा फॉर एग्जाम्पल इज ही टेकिंग क्लास, is he taking class? So the answer will be yes he is, no he isn't। तो ये इसकी जरा एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना इसको अगर आप एक वन बाय वन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं येस और नो में तो आपके लिए बहुत मुफीद होगा, आप किसी चीज़ को सीख लेंगे और आप किसी जब इसके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आपकी जो कन्वर्सेशन में आपको और भी खुशी महसूस होगी कि मैं बोल सकता हूँ मेरी इंग्लिश करेक्ट है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनको स्टूडेंट तो बोल लेते हैं लेकिन उनसे अगर पूछे जाए कि आपने सेंटेंस इधर आपने एस की जगह एम बता दी, एम की जगह आर आपने यूज़ किया आपने बगैर रूल्स के मुताबिक, तो वो उसकी सेंटेंस लेकिन उसको आप तरीका नहीं आता कि हम इसको किस तरह पढ़े। लेकिन जब आप उसकी ये बेसिक चीज़ें होती है अगर आप उसको नॉलेज में रखें तो आप इजीली इंग्लिश जो कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख लेते, क्यों अगर
कोई दूसरा तीसरा बंदे सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरी लैंग्वेज है, हमारे पास हमारी मादर टंग नहीं है, नेटिव स्पीकर हम नहीं, लेकिन हम सीख पाएंगे। लेकिन हम इतने खुशकिस्मत है कि हम अपनी लैंग्वेज भी सीख चुके हैं, आप दूसरी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख चुके हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो हमारे पास जो ब्रिटिश पीपल जो हमारे जो मादर टंग है वो नहीं सीख पाते। लेकिन ये तो एक ईजीली मेथड है कि जो ग्रामर होती है वो अपनी जुबान को आपको आपके जो बोल्ड चाइल्ड की जो गुफ्तगु होती है उसकी आपको ठीक सलीका बता दे कि आपने इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से आपने स्पीकिंग करनी, इस तरीके से आपने ये करने, इस टाइम पे आपने ये यूज़ करने और इस टाइम पे आप यूज़ करेंगे। तो ये आपके साथ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आए आगे आप चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ जाने। तो जो क्वेश्चन कैसे कि हमने एक टाइप कर लिया है एंड दैट इज इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। अब हम जाते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की तरफ। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आप सोच होंगे कि वो कैसे होंगे, लेकिन वो कन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जो होंगे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन वो बनते ही इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन से। लेकिन अगर आपको वो तो हम बार बार देखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी। जैसे मैं आपके साथ आप फॉर एग्जाम्पल आप मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनाता हूँ जो इज ही बाय क्लॉथ्स, इज ही बाय क्लॉथ, ये मेरे पास कन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन थी। ये मेरे पास कौन सी क्वेश्चन थी? कन्फॉर्मेटिव सेंटेंस थी। अब इसी से हम अगर आप इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो डब्ल्यू एच इसका मतलब है कि व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वो सवाल जिसमें हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन पूछा गया हो, तो हम उसके लिए हम डब्ल्यू एच इसके हम आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं ताकि आपको आसानी से बताइए कि इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की जो पहचान होगी वो डब्ल्यू एच से पहचान जाती है और इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो कन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की जो पहचान होती है वो ये सुनो से पहचाना जाते हैं। क्योंकि कन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में जो होगा उसमें हेल्प वर्ड सबसे पहले लगेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले व्हाट, हाउ, व्हेन इन चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब हम इसके हम इसी सेंटेंस का हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एवरी सेंटेंस हमें इस तरह में नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये देखें इसके साथ ये नीचे आ रही है, सही है। What is he buying? What is he buying? लेकिन जो होगा इसके साथ देख इसको इधर हमने यूज किया ऑब्जेक्ट है, हमारे पास क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम यहाँ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया, अगर ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया तो फिर ये इसका कोई फायदा या कोई सवाल नहीं बन जाता। लेकिन ऑब्जेक्ट आपने यूज किया वो उसने क्या खरीदा, तो हम यहाँ इसके जवाब में होगा वो होगा ही इज बाइंग शूज, whatever you want to write here right now, okay. So interrogative question it has also two types. The first one we have confirmative question and another we have informative question. So confirmative question is meant to confirm thing with a yes or no, and informative question means it gives information more than one information. So the first example is related to confirmative question. Is here that is a positive sentence if we have converted from the interrogative question, first part confirmative question. From here we have this that question we have converted from the positive sentences to from the confirmative question. So before the subject we have the helping word we have written the first beginning of sentence, and after the helping word we will write the help for their subject, and after we will do the first form of the verb, and at the end we will use the object must. It will become confirmative question. So that it will be the confirmative question, the answer will be yes or no. But here if you want to write informative question, so it's easily method before the confirmative question we will write a W. W's mean you will become a wonderful. What does mean by the W's mean when, how, what, and where, and how much and how many is mean? This is a kind of informative question, interrogative question we are using in information.
happy and spread happiness, always learning from us, and we are learning from here, and we have free opportunity to give us. Stay with us. Assalamu alaikum.